जैसा बोलते हैं। तो दोस्तों हम लोग गाड़ी पे चढ़ गए हैं सुबह सुबह 6 बजे, और ये गाड़ी जो है चाकन से खुलती है, तो आपको गाड़ी पकड़ने के लिए अगर चाकन में है तो चाकन से पकड़ना पड़ेगा, और यहाँ से तेलेगाँव जाना पड़ेगा। तेलेगाँव से वो यहाँ से 40 रुपये लेता है म्यूजिक में, इस गाड़ी में। ऑटो में जाइएगा तो 50 रुपया भी ले सकता है, 60 रुपये भी ले सकता है। और हम लोग तेलेगाँव स्टेशन पहुँचने वाले हैं, और यहाँ से लोनावला के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिलता है, तो वहाँ से अभी ट्रेन लेने टिकट लेने वाले हैं, फिर जाके लोनावला में अभी वीडियो बनाते हैं। ट्रेन में काफ़ी भीड़ रहेगा, इस बात से थोड़ा दिक्कत लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो ये तेलेगाँव स्टेशन है, यहाँ 3 प्लेटफॉर्म है, उधर 1 और 2 है, इधर 3rd वाला है। तो अभी हम लोग जाने वाले लोनावला सीधा स्टेशन, देख सकते हैं उधर निकलना रहता है, सीधा जाके इस साइड से सीधा जाके लेफ्ट लेना पड़ता है। उसको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं, ये है बाहर का, जो कि स्टेशन से निकलने के बाद यहाँ से आपको रोड मिलता है लोनावला के लिए। तो मैं दिखाता हूँ जहाँ पर आपको जाने का है, पहले इधर जाना है, इधर जाने के बाद आपको जो है सीधे जाना है। ये अभी आपको दिखाता हूँ, घर के सेंटर में जो सीधा स्ट्रीट रोड है इससे जाना है, और आपको पैदल चलने के बाद थोड़ा देर बाद राइट लेना है, क्योंकि उधर दो रास्ता है, एक लेफ्ट एक राइट है, तो आपको राइट लेना है। सामने से दिखाता हूँ, तो इधर से राइट लेना है, राइट चलने के बाद थोड़ा देर ही बाद में आपको कुछ ऐसा जगह दिखने मिलेगा, जो कि इधर से भी बहुत अच्छा नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि इधर पूरा बादल हो रखा है, तो इधर से आपको लेफ्ट ले के सीधे चलना है। और दोस्तों देख सकते हैं, ये मेरे लिए पूरा हेवन जितना सुंदर है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा। अगर आपको नेचर से प्यार है तो इधर आ सकते हैं लोनावला। बस थोड़े ही दूर में और ये आपको मिलेगा एक ब्रिज जैसा, वहाँ से पूरा सीन दिखेगा, और वहाँ से काफ़ी बढ़िया दिखेगा, क्योंकि उधर पानी भी है और पहाड़ों के ऊपर बादल पूरा दिखने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में, बहुत ही मज़ा आने वाला है। इधर डैम पे पानी तो अभी मस्ती का खस्ती न मस्ती, वो हमको रिकॉर्डिंग वाला प्लास्टिक चाहिए, अब नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया जगह है, मजा नहीं कर। पूरा एकदम 90 डिग्री घुरा दिए। तो थोड़ा मस्ती करने के बाद हम लोग आ गए इधर, इधर जहाँ पर होटल वगैरह है, तो हम लोग इधर डोसा खा के, और तो कुछ खाए नहीं क्योंकि इधर इस कोई अच्छा लगा तो खा लिए, फिर हम लोग चले। अभी दिखाने वाला हूँ मैं आपको, तो ये जो है आपको ऊपर जो उधर दिख रहा है, उधर ही है वो डैम ऊपर पे, सब उधर जाके वो नाच रहा है, गा रहा है, मस्ती कर रहा है। तो अभी उधर जाने के लिए जूता वगैरह खोलना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, और बैग भी रखना पड़ेगा, तो उसके लिए उस लोग को चार्ज देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। तो हम लोग उसको रख के अभी जाने वाले हैं उधर, और चेंज करने के लिए भी पैसा लगता है। तो अगर आप जींस में अगर आपको ज़्यादा टाइट लग रहा है तो आप चेंज करके ट्राउज़र अगर पहनना चाहते हैं तो पैसा दे के पहन सकते हैं। और वहाँ से एक मोबाइल का कवर ले लिया हम, जिससे कि मोबाइल बचा हुआ रहेगा, पानी में गिरेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, और बारिश तो होते रहता है इसलिए। और फिर मैं चलते चलते हैं ऊपर तरफ, मज़ा आने वाला, देखिए लास्ट।
रेडी 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 हां बिडो अच्छा रेडी वाह पत्थर खाली पैर बहुत दिन से नहीं चले हैं ना। बड़ा लग रहा है भाई। क्या करने का उधर खेदर से क्या भयानक पैर में इधर दिखा रहा है ना। तो दोस्तों उधर पानी के अंदर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पत्थर रहता है, तो अगर आप पैर में ज़्यादा लगता है कहीं पे जाने पर तो आप चप्पल पहन के भी आ सकते हैं। चप्पल मतलब वो लोग जूता जैसा पहन के आ सकते हैं। चलता था लेकिन आता कैसे भी भींग के बाप रे क्या। ओ भाई साहब तो आने का ही तो दोस्तों यही है वो डैम जिसके बारे में बता रहे थे। ऊपर से जो डैम है उधर से पानी आ रहा है और सब इसमें नहा रहा है मस्ती कर रहा है। तो मैं अभी आपको जाकर पूरा दिखाता हूँ, बने रहे बहुत ही मजा आने वाला है। घींगते लेकिन चेंज करते तो बढ़िया रहते। जैसा बोलते तो दोस्तों ये रहा डैम जिसके बारे में बोल रहे थे। इधर से पानी जो है नीचे आ रहा है, यहाँ से गेट लगा हुआ है लेकिन अंदर जा सकते हैं। और यहाँ से पानी जो नीचे जा रहा है इसमें सब भींग रहा है मस्ती कर रहा है सब नीचे से। यहाँ से पूरा सीरियली बैठा हुआ है नीचे तक मस्ती करने के लिए। तो अगर आप कोई इधर रंग पेड़ वगैरह पसंद है तो आप आ सकते हैं। और ये जो है सबसे ऊपर का व्यू है, हम लोग जहाँ तक चढ़ सकते हैं डैम के ऊपर। इधर बहुत ही बढ़िया मस्त जगह है। और इधर जो है पेड़ वगैरह भी है, बहुत ज़्यादा हरा भरा है। और यहाँ का जो है पेड़ पहाड़ के पास बादल दिखेगा आपको, दिखाता हूँ आपको, क्योंकि बहुत ही मस्त सीन है। जिसको भी नेचर से प्यार है वो उसको तो आना ही चाहिए, क्योंकि इतना सुंदर जगह है ये। महाराष्ट्र का जो है मानसून का सबसे फेमस जगह है, लोनावाला सबको आना रहता है, सबको आना चाहता है। तो इधर से देख सकते हैं आप सब आ रहा है इधर ऊपर।
काट रहा है क्या देख और यहाँ से सब कोई सीन दिख रहा है, मजा कर रहा है और ये जो है इतना अच्छा जगह का आनंद ले रहा है। यहाँ से पूरा व्यू दिखने वाला है, आप देख सकते हैं ऊपर में बादल दिख रहा है पूरा चलते हुए और पूरा ही मतलब। और हम लोग अभी रिकॉर्डिंग करते करते बारिश भी आ गई थी तुरंत उधर से पीछे से, तो इसलिए हमको इंस्टेंटली वीडियो को बंद करना पड़ा था। अभी आप देखिए इधर का व्यू दिखाने के बाद मैं वीडियो जो है बंद कर दूंगा क्योंकि पानी आ गया बहुत ज़्यादा, जोर से बारिश आ गई थी। दिख नहीं रहा ढक गया। और ये जब हम लोग आ रहे थे तो ये रोड बहुत ज़्यादा खाली था और अभी जो जाने के टाइम पे है 2-3 बजे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया है, गाड़ी लगातार रुकी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़ के ऊपर कैसे घर बना हुआ रहता है, वो भी अच्छा अच्छा घर बहुत ज़्यादा। तो इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट कीजिए क्योंकि मैं ऐसा ब्लॉग बनाते रहूँगा जहाँ जहाँ घूमूंगा अच्छा अच्छा जगह। थैंक यू।